सो हे दोस्तों, कैसे तुम सभी लोग। तो आज मेरे पास काफी सारे अपडेट्स तो नहीं है, बहुत कम ही अपडेट्स आज की वीडियो में, लेकिन जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आप लोग को आज बताऊंगा। इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है ब्लू एग्जॉस्ट एनिमे को लेकर, जिसकी नई इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्द रिवील होने वाली है। साथ इसके अलावा अगर हम लोग ब्लैक क्लोवर एनिमे बारे में बात करें, जिसको लेकर लीक निकल के आई है कि ये बहुत जल्दी रिटर्न करने वाला है। और अब देखा जाए तो मुझे ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक क्लोवर का एनिमे जो है वो काफी टाइम से वापस ही नहीं आ रहा है। और अभी जो उसकी मूवी देखने को मिल रही है, वो मूवी देखने पर भी लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए अभी तक। लोग अब बस ये चाहते हैं कि ब्लैक क्लोवर का एनिमे जल्द से जल्द रिटर्न करे। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें हेवनली डेल्यूजन के एनिमे के बारे में, जो कि स्प्रिंग 2023 के एनिमे अवार्ड में एनिमे ऑफ द सीजन बन चुका है, जो कि लिटरली काफी अमेजिंग बात है। मतलब ये एनिमे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जाकर जरूर देखना है, क्योंकि ये वाला जो एनिमे है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है और आप लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसलिए आप लोग इस एनिमे को जाकर जरूर देखना, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है क्रंची रोल इंडिया को लेकर, क्योंकि क्रंची रोल इंडिया जो है वो फैंस के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करने वाले हैं मुंबई में। और ये जो स्पेशल स्क्रीनिंग थी उसके बारे में मैंने आप लोग बताया था कि सीजन 1 को स्पेशल स्क्रीनिंग दिया जाएगा, जो कि मैं आप लोग बता दूं कि सीजन 1 का स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे जेजेके के सीजन 2 का स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाला है। तो अगर आप लोग मुंबई से हो तो आप लोग स्पेशल स्क्रीनिंग को जाकर अटेंड कर सकते हो, एड्रेस आप लोग स्क्रीन के ऊपर शो होता ही होगा, तो आप लोग देख लेना। क्योंकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है मिनाटो के न्यू वन शॉट मांगा के बारे में, जो कि ऑफिशियली अब मांगा प्लस के ऊपर अब फ्री में अवेलेबल है। हालांकि अगर इस मांगा का मैं शॉर्ट रिव्यू दूं तो ये मांगा काफी ज्यादा कमाल का है। मतलब इस मांगा के अंदर आप लोग काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे मिनाटो और कुशिना की केमिस्ट्री, साथ ही जिराया सेंसेई के कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको देखकर नारुतो फैंस के आंख में आंसू आ जाएंगे। और इसके अलावा हम लोग कुशिना के बारे में काफी कुछ जानने को भी मिलेगा। और साथ ही सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर हम लोगों को रासिंगन की ओरिजिन देखने को मिलेगी, कि रासिंगन को किस तरह से बनाया गया, उसका रासिंगन नाम किस तरीके से पड़ा है, मतलब रासिंगन को लेकर पूरी ओरिजिन हम लोग बताई जाएगी। इसलिए मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वन शॉट मांगा को जाके पढ़ लो एक बार। हालांकि अगर आप लोगों ने इस मांगा को पहले ही पढ़ रखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप लोग को ये मांगा कैसा लगा है। और इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है पोकेमोन के सीजन 19 को लेकर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सुपर हंगामा के ऊपर फाइनली पोकेमोन का सीजन 18 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आता है पोकेमोन का सीजन 19, जिसके लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा टीवी पर। तो उसी को लेकर मैं आप लोग बता दूं कि अभी फिलहाल के लिए तो कोई अपडेट नहीं आया है कि वो कब आएगा, उसकी रिलीज डेट क्या है, क्योंकि जहां तक लास्ट अपडेट वॉइस आर्टिस्ट से पता चला था कि सीजन 19 डबिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और शायद सीजन 19 की अब तक डबिंग कंप्लीट हो भी गई होगी। लेकिन सच बताऊं तो यहां पे प्रॉब्लम बस यही है कि डिज्नी इंडिया वाले बहुत स्लो काम करते हैं। मतलब पोकेमोन का सीजन 18 अभी देखने को मिल गया, तो हो सकता है कि पोकेमोन का सीजन 19 जो है वो हम लोग को नेक्स्ट समर में देखने को मिले। लेकिन मैं तो बस यही होप करूंगा कि पोकेमोन का सीजन 19 इसी साल आ जाए। लेकिन चलो इसके बाद हम लोग बात करें अब कुछ शेड्यूल रिलेटेड अपडेट के बारे में, जैसे ड्रैगन बॉल सुपर जो है वो फाइनली कार्टून नेटवर्क के ऊपर कल आया था। और कल ड्रैगन बॉल सुपर कार्टून नेटवर्क के ऊपर आया था तब कल हम लोगों को काफी यूनिक चीज देखने को मिली। जैसे ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड के अंदर हम लोगों को पहली बार इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिले हैं, जो कि देखकर अच्छा लगा कि उत्तम पासर जो है वो कुछ यूनिक चीजों को ट्राई कर रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर में। साथ इसके अलावा ड्रैगन बॉल सुपर जो है वो आप लोग को मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे अब कार्टून नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग को ड्रैगन बॉल सुपर को फिर से देखना है तो आप लोग इसे कार्टून नेटवर्क के ऊपर देख सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है सोनी ये को लेकर, क्योंकि सोनी ये के ऊपर तो लगभग कुछ एनिमे के अपडेट्स आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन अभी सोनी ये की तरफ से हम लोग को एक एनिमे अपडेट सुनने को मिला है, जैसे ओबो चामाकुन कुछ टाइम पहले सोनी ये के ऊपर आया करता था, लेकिन सोनी ये ने इसको अचानक ही स्टॉप कर दिया था बिना किसी रीजन के। लेकिन अब अगर आप लोग ओबो चामाकुन को पहले भी देखते थे और अगर आप लोग को फिर से देखना है तो मैं आप लोग बता दूं कि ओबो चामाकुन जो है वो वापस रिटर्न कर रहा है सोनी ये पर, और अभी फिलहाल के लिए कमिंग सून पे है, तो इसकी रिलीज डेट हम लोग जल्दी बताई जाएगी। और यहाँ पे अगर वो लोग ओबो चामाकुन को अब ला ही रहे हैं तो मेरे हिसाब से उन लोगों को नया एपिसोड लाने चाहिए। और ओबो चामा इतना पुराना एनिमे है तो मुझे पता है उसके अंदर कितने एपिसोड है टोटल, लेकिन अगर कुछ एपिसोड बचे भी हैं उसके डब करने के लिए तो मैं चाहूंगा कि वो लोग उसको डब करके टीवी पर दिखाएं। हालांकि अब सोनी ये कोई शोनेन एनिमे लाते हैं कि नहीं उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, जो कि अब फ्यूचर में देखते हैं सोनी ये क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन आप लोगों के ओपिनियन है सोनी ये को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। साथ ही अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोगों को डेली एनिमे न्यूज और अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। और अब मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।